ठीक है हाँ दिखी रहा हूं ना मैं सबको ठीक है भाई अभी जुड़ने वालों में राहुल है खुशी राज आलिमा अभिषेक मैं भी हूं रोहन प्रियंका पायल गोविंद खुशी नरेश बहुत बढ़िया भाई जुड़ जाओ जल्दी से फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आद, जन्माष्टमी का आसपास में मंदिरों में बढ़िया गाने वाने चल रहे हैं तो मैं क्या आज आज भी आपको इतना दुखी नहीं करेंगे कल आपके 20-25 मिनट ज़्यादा ले लिए थे इधर से पायल पायल कुलदीप मालविका बहुत बढ़िया भाई कुछ अंगुलियों को थोड़ा परेशान करो भैया उससे पता लगे कि आप है आपकी एग्जिस्टेंस है सर आप व्रत हो क्या आपको पता है व्रत का भगवान यदि मतलब भूखे मरने से राजी होते ना तो भाई साहब फिर दुनिया है ना भूखे मर मर के भगवान को राज़ी कर लेती अच्छा खुशी मीना वाली आईडी से मंजिली है ओके भाई ओके ऐसे नाम लिख दिया करो जैसे पायल वाली आईडी से रिंकी है बहुत बढ़िया भाई जिंदा हो मतलब एग्जिस्टेंस है आप लोगों का भी नमस्ते सर हरी चरण प्रज्ञा हेलो बहुत बढ़िया भाई सभी लोग जुड़ जाओ जल्दी से ना जुड़ने में थोड़ा जल्दी किया करो जिससे क्या है अपना जो टाइम है वो क्वालिटी टाइम मिला मिला करे अपने को है ना और पहली बात तो हाँ पायल नकवाल है वहाँ पे ओके राजेश हेलो सर गोविंद बहुत बढ़िया भाई राम राम भाई और हैप्पी जन्माष्टमी वैसे एक मेरी चीज समझ में नहीं आई यार कृष्ण जी कल भी जन्मे थे कईयों ने कल व्रत रखा था कइयों ने आज आज रखा है तो कईयों को तो कल बोल दिया अपन ने हैप्पी जन्माष्टमी वो मेरी तरह है बर्थडे दो बार मनाते हैं है ना बहुत बढ़िया भाई वैसे ऐसे भगवान के बारे में ऐसे बोलना नहीं चाहिए भगवान लेकिन अपने को पता है अपन मजाक टाइप में बोल रहे हैं ना किसी की भावनाएं थोड़ा वो नहीं होनी चाहिए प्रभावित नहीं होनी चाहिए शुभम जिंदल हेलो सर बहुत बढ़िया भाई आगे जुड़ जुड़ जाओ जल्दी से अगले एक मिनट में सारे बच्चे जुड़ जाओ आज मिठाई खा रहे हैं सर तो आज आज है बर्थडे ओके आज है उनका बर्थडे है ना कल तो रिहर्सल थी उसकी ओके ओके okay, सभी को भैया ये बच्चे जितने भी जुड़ने वाले हैं और कुछ लोग कमेंट नहीं करते आपको पता हो तो ये जो अपने यहाँ लाइव में जो कहानियाँ चलती हैं ना आपको पता हो तो इस टाइम अपने को है ना गंगापुर जोड़ लो राजस्थान जोड़ लो या कोई भी जोड़ लो अपने को इस टाइम लगभग लगभग लग पौने दो के आसपास है स्टूडेंट्स अपने को देखते रहते हैं सभी को भैया हैप्पी जन्माष्टमी अजय भी आके जुड़ गया जुड़ जाओ भैया अगले 30-35 सेकंड में और जुड़ जाओ फिर अपन स्टार्ट करते हैं भुवनेश भी जुड़ गया बहुत बढ़िया गुड इवनिंग बहुत बढ़िया अपन एन का रिवीजन करेंगे फालतू फालतू बातें नहीं करेंगे एन सी की चीज़ें अपन बढ़ाते रहेंगे ठीक है भाई लगभग लगभग बच्चे जुड़ गए है ना और केमिस्ट्री में एक तो अनाउंसमेंट ये है कल केमिस्ट्री में आपकी जो क्लास आएगी ना वो आएगी ए के सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ठीक है यहाँ जो रैपिड रिविजन में जो क्लास चलेगी ना वो चलेगी आइसोमेरिज्म की आइसोमेरिज्म के शायद आपके दो क्वेश्चन आते हैं तो उनकी क्लास चलेगी ठीक है और मनमोहन ये भी जुड़े हैं भाई ठीक है चलो स्टार्ट करता हूं मैं मोबाइल को साइड में रखता हूँ अपन एम पढ़ रहे थे और उसके आगे की कहानी स्टार्ट करता हूँ ठीक है बुद्धि प्रकाश ये सारे बच्चे जुड़ रहे हैं भाई ठीक है स्टार्ट करते हैं देखो कल अपन ने एम बी की स्टार्टिंग करी थी एम में शुरू शुरू की सारी चीजें अपन ने कर ली थी कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा अच्छा है जेनेटिक मटेरियल की जो सर्च हुआ वो कैसे हुआ फिर अपन ने डीएनए की डिटेल स्ट्रक्चर्स देखी न्यूक्लियोसाइड्स देखे न्यूक्लियोटाइड्स देखे सारी चीज़ें अपन ने देखी आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ कि जो सेंट्रल डोगमा था उसमें जब डीएनए से अपन आरएनए बना रहे थे और आरएनए से फिर क्या बना रहे थे प्रोटीन बना रहे थे तो उसमें एक क्या होता है डीएनए से डीएनए जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड था सेमी कंजर्वेटिव मेथड की अपन ने बात कर ली थी कि मैसेल्स ने स्टॉल ने तो इकोलाई में दिखाया था है ना जो आ, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट है उसके थ्रू दिखाया था प्लस जो विशिया फाबा में दिखाया था टेलर ने है ना वो उन्होंने आ, क्रोमोसोम लेवल पे बताया था कि वास्तव में ये सेमी कंजर्वेटिव चलता है ठीक है आज जो अपन कहानी शुरू करते हैं वो है डीएनए रेप्लिकेशन की देखो डीएनए रेप्लिकेशन की जब भी बात आती है ये कहानी जो चलती है वो भैया हमेशा ही किस साइड चलती है फाइव डैश टू किस साइड चलती है फाइव डैश टू थ्री डैश चलती है अब जब अपन बात करते हैं कि जो डी एन होता है वो जब अपन सेल साइकिल सेल डिवीजन की बात करते हैं तो कहाँ होता है भैया एस फेज़ में होता है ठीक है और ज़्यादा बातें नहीं जो अपने को एन ने बता रखी हैं चीज़ें वो स्टार्ट करते हैं जब भी अपना मान लो इतना बड़ा अपने पास में डी है अपन ने बात कर ली कि भैया ये सेमी कंजर्वेटिव होता है मतलब ये वाला टेम्पलेट खुलता है और उस पर नया फॉर्मेशन होता है जब बात चलती है तो ये चलती कि जहाँ से ये स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं भैया ओराई ओराई का क्या मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन कोई भी कोई भी जो डीएनए एन रेप्लीकेट करेगा वहाँ ओराई होना जरूरी है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन आपको पता है जब भी जब अपन बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर देखते हैं तो अपन देखते हैं कि वेक्टर में ओराई होना ज़रूरी है है ना ओराई होने से क्या होता है उसके आगे का जितना जितना भी डीएनए का जो सेगमेंट होता है वो क्या कर लेता है भैया डुप्लीकेशन कर लेता है और अपने अपन बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं अपनी जो फॉरेन जीन होती है उसको वेक्टर में लगा के फिर अपन आगे कहीं उसको डुप्लीकेट करवाते हैं आगे कहीं लेके जाते हैं ये जो ओराई होता है तो जहाँ से रेप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो देखो जब अपन बात करते हैं तो इकोलाई में आपने कितने बेस पेयर करे थे फोर पॉइंट सिक्स इन टू टेन टू पावर सिक्स और जो अपना ह्यूमन कंटेंट था उसमें कितना था सिक्स पॉइंट सिक्स इन टू टेन टू पावर नाइन बेस पेयर करे थे अपन ने तो अब देखो यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना जो डीएनए रेप्लीकेशन डी एन एर रेप्लीकेशन की जब इकोलाई से बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं ना कि इकोलाई में जो इसके हिसाब से यदि अपन दो हजार बेस पेयर पर सेकेंड के हिसाब से यदि निकालें तो भैया इसका जो टाइम आता है वो कितना आता है 18 मिनट्स ये एन ने लिख रखा है 18 मिनट्स तो जब भी डीएन ने डुप्लीकेशन का या रेप्लीकेशन का यदि कभी क्वेश्चन आए तो उसने इधर लिख रखा है उधर देखना मैसेल से वाले एक्सपेरिमेंट में उसने बीस मिनट बाद में उसने सैंपल लिए हैं और फिर बोल रखा है कि भैया बीस मिनट में वो रेप्लीकेशन कर लेता है और जो इधर दो हजार बेस पेयर के हिसाब से अपन निकालते हैं तो एनसीआर ने अपने को दे रखा है 18 मिनट्स और सारे अपन ने जो भी निकालते हैं एक्चुअल जो भी है उसको आ, अपने को नेग्लेक्ट करना है हाँ हो सके बिल्कुल वही एक्यूरेट वही दे रखा है वो अपने को तब आप वो करना नहीं तो अपने को क्या मानना है 18 मिनट्स मानना है इकोलाई का है ना अब यहाँ से ये यहां से लेकर यहाँ तक का मान लो अपन कंटिन्यूटी में यदि इसका रेप्लीकेशन करें तो वास्तव में यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी बहुत ज्यादा जो एनर्जी लग जाएगी एक ही एन की लाइन आप सब लोगों से चूक जाती है देखो याद करो पहले यहाँ से एक छोटा सा जस्ट थोड़ा सा आगे से क्वेश्चन बनाया है तो पीछे ये लाइन एक छूटती है कि ये कंटिन्यूअस रेप्लीकेशन क्यों नहीं होता छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों होता है क्योंकि वास्तव में ये बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है इसलिए अपन टुकड़ों में करते हैं और जब टुकड़ों में करते हैं तो जहाँ से अपन ने टुकड़ा बनाया उसको अपन क्या बोलते हैं भैया रेप्लीकेशन फोर्क ये क्या बना दिया मैंने रेप्लीकेशन फोर्क अब इस रेप्लिकेशन फोर्क में जब अपन देखें तो भैया हमेशा जो कहानी चलती है देखो ये मान लो मैंने थ्री डैश अब इसको सही कर देता हूँ मैं यहाँ पे सारी चीज़ें समझा दूंगा ये थ्री डैश टू फाइव डैश हो गया तो ये कौन सा हो गया भैया फाइव डैस टू थ्री डैस हो गया एंटी एंटीपेलर डीएनए के स्टैंड होते हैं यहां है देखो वैसे याद ना हो तो देखो थ्री डैश टू फाइव डैस ए बी सी ए बी सी में सी कौन से नंबर पे आता है थर्ड नंबर पे तो इधर जो स्टैंड थ्री डैश टू फाइव डैश है ये वाली चीज है ना नई नया अपन ने बनाया है ट्रिक कि ये ए बी सी तो सी पे कंटिन्यूस इधर जो काम चलेगा वो कैसा चलेगा भैया कंटिन्यूस इसका मतलब जो लीडिंग स्टैंड है इसको पता है सबको इसको लीडिंग स्टैंड कहते हैं तो लीडिंग स्टैंड जो है उसकी पोलरिटी हमेशा आ, आपको क्या याद रखनी है थ्री डैस टू फाइव डैश ये तो आपको याद रहता ही है कि जो लीडिंग स्टैंड है उस लीडिंग स्टैंड पे वास्तव में कंटिन्यूस काम चलता है तो भैया कंटिन्यूस तो इसका ए बी सी इसका मतलब ये थ्री डैश टू फाइव डैश आएगा दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा जो ये फाइव डैश टू थ्री डैस है इस पर काम कैसा चलता है डिसकंटिन्यूअस चलता है तो इस पर जो कहानी ये काम हमेशा कौन सी डायरेक्शन में चलेगा भैया फाइव डैश टू थ्री डैस कंटिन्यूस इधर इस पर भी जो काम चलेगा तो भैया कंटिन्यूस चलेगा और जो कहानी बनेंगे अलग अलग जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे इन वालों को अपन क्या बोलते हैं ओकाजाकी जा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ओका फ्रेगमेंट्स ये ओकाजाकी जा फ्रेगमेंट्स को बाद में भैया कौन जोड़ देता है इन ओकाजाकी जा फ्रेगमेंट्स को कौन जोड़ता है भैया डी एन लाइगेज अब देखो इतनी वाली कहानियाँ इसके अपन एंजाइम्स देखते हैं कि ये जो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस जो जो काम चलता है उसमें से यहाँ सबसे बड़ा जो एंजाइम है वो कौन है भैया अपना डीपी डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज ये किस पे डिपेंडेड है डीएनए डिपेंडेड डीएनए पॉलीमरेज है ना इसका पूरा नाम यदि अपन डीपी का देखें तो क्या हो जाएगा डीएनए डिपेंडेड डीएनए पॉलीमरेज ये वाला काम करवाता है देखो एन ने अपने एंजाइम्स जो हैं वो नहीं दे रखे दो का ही नाम दे रखा है डी एन का और दूसरा दे रखा है डी एन लाइगेज का तो ज़्यादा दिमाग पे ज़्यादा भार नहीं लेना है कोई सा भी एंजाइम नहीं दे रखा चाहे वो ना आरएनए प्राइमर के बारे में बता रखा ना अपनी जो प्रोटीन्स होती हैं सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं ना हेलीकेज के बारे में बता रखा ना अनबाइंडिंग के लिए जो अपने आइसो मरेजेज होते हैं ना उनके बारे में बता रखा लेकिन फिर भी मैंने ऐसे बोलने बोलने में आपकी दिमाग में सेट कर दी चीज़ें अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इस वाले डीएनए रेप्लिकेशन से अपने दो नए डीएनए बन जाते हैं और उसकी वजह से सारी कहानी चल जाती है अब जो इसके इसके जो सबस्ट्रेट आते हैं है ना एक सबस्ट्रेट पे भी बात आई वहाँ से क्यूशन तो पुटअप हो गया पहले लेकिन उस सबस्ट्रेट पे एक सवाल ये बनता है मान लो कोई सा भी आप डी की बात कर रहे हो, हो तो हमेशा इसका सबस्ट्रेट कौन होगा डी ए टी पी डी ऑक्सी अब इसको यदि मैं ऐसे याद करवाऊं कि भैया क्योंकि एनसीआर ने उसको लिख रखा है तो हो सकता है वहां से सवाल बने तो वहां से डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफोसपेट तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना न्यूक्लियोसाइड ट्राइफोसपेट क्या लिख सकता हूँ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफोसपेट इसका मतलब ये इधर न्यूक्लियोसाइड होता है उसके बाद ट्राईफोसपेट लगते हैं जब ये न्यूक्लियोसाइड के आगे मान लो ये मैंने एडीनोसिन लगा दिया ये मैंने एडिनोसिन लगाया और उस एडिनोसिन के आगे तीन फोर्सपेट लगा दिए तो इसमें काम तो कौन सा आना है ये ये न्यूक्लियोटाइड ही आना है ये वाले न्यूक्लियोटाइड के आगे दो ये जो जो दो फोसपेट बचे हैं पायरोफोसपेट बचे हैं वो पायरोफोसपेट क्या करते हैं यहाँ से एनर्जी देने का काम करते हैं इसका मतलब जो भी अपने न्यूक्लियोटाइड्स हैं या आप डी ए टी पी जितने भी सारे हैं सारे के सारे ड्यूल फंक्शन करते हैं ये वाला सवाल पहले पुट अप हो चुका लेकिन हो सके तो अच्छा क्वेश्चन है रिपीट भी हो जाए तो ये वाली कहानी यहाँ से अपने को एन सी आर टी ने डी एन एर एप्लीकेशन की दे रखी है दिमाग पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना आती हैं सारी चीज़ें आपको है ना उसमें कोई ऐसी ऐसी कोई तगड़ी चीज़ दे ही नहीं रखी है एक मतलब इसमें से दो याद रखने वाली चीज़ें है ना पहली चीज़ तो क्या याद हुई कि भैया ये कंटिन्यूस फॉर्मेशन क्यों नहीं करवाया जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको टुकड़ों टुकड़ों में करवाया जाता है रेप्लीकेशन फोर्क बनवा के दूसरा ये पोलरिटी बहुत सारे बच्चे ये वाली पोलरिटी याद नहीं होती तो ये वाली पोलरिटी जो लीडिंग स्टैंड की है वो थ्री डैश टू फाइव है कंटिन्यूस के ए के हिसाब से आप यहाँ से याद कर सकते हो ये ये वाला जो डी एन ए रेप्लीकेशन है ये वाले डी एन एर रेप्लीकेशन को थोड़ा सा उन्होंने वेक्टर से जोड़ रखा है प्लस जो ओराई की जब बात करी गई है तो वेक्टर से जोड़ रखा है तो इन वाली चीज़ों का आप ध्यान रखना अगली जो कहानी है अपन स्टार्ट करेंगे किसकी ट्रांसक्रिप्शन की तो ट्रांसक्रिप्शन में सबसे जो पहली बात तो है कि जब भी अपन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से उसका फ्लो करवाते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर है डीएनए के पास में उससे जो आर बनाते हैं तो करा क्या अपन ने स्टोरेज से अपन ने ट्रांसफर की तरफ लेके गए हैं ट्रांसफर की तरफ लेके गए हैं तो वो क्या हो गया ट्रांसक्रिप्शन और उस कई कई जैसे वायरस होते हैं उनमें थोड़ा सा आरएनए से क्या बना लेते हैं वो डीएनए बना लेते हैं तो वो क्या हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लेकिन ट्रांसक्रिप्शन तो तो बात करते हैं किसकी भैया ट्रांसक्रिप्शन की ट्रांसक्रिप्शन की जब बात आती है तो पहले पहले एनसीआरटी कुछ बातों का जिक्र करती है और वो बातों का जिक्र भैया अपने को भी आना चाहिए जिससे क्या है वो लाइनें मिस ना हो मेरा सारा जो मेन ऑब्जेक्टिव इस टाइम है वो कि आपको एन की लाइनें हैं वो मिस ना हो तो देखो जब अपन ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की जब भी बात करते हैं तो भैया बात आती है कि ये वाली कहानी भी किस तरफ चलती है फाइव डैश टू थ्री डैश चलती है जब इसमें अपन डीएनए से जब आरएनए बनाते हैं तो अपन क्या कर रहे हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का क्या करवा रहे हैं ट्रांसफर करवा रहे हैं ये आरएनए भी अकेला कलेक्टर नहीं है जब ये आरएनए अकेला कलेक्टर नहीं है तो एन सी ने है ना थोड़ी सी देर बाद में अपने को ये समझाने की कोशिश करी है कि भैया क्योंकि ये एम है ये वाला टी है और ये वाला आर है अपने को पता है ये मैसेंजर का, का काम अडेप्टर का, का काम और स्ट्रक्चरल का तीनों का, का काम करता है आर ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कम स्टेबल होने की वजह से प्लस आर एन वर्ड अपन क्यों बोलते हैं क्योंकि ये कुछ कैटालिटिक फंक्शंस भी करता है एक और मैंने आपको हमेशा ही याद करवाता हूँ कि जो आर होता है उसको आर एन वर्ड बोलने के दो कारण होते हैं आर एन वर्ड बोलने के दो कारण कौन सा एक तो वो जो एंजाइम की तरह काम करता है राइबोजाइम बोलना और दूसरा इसमें जो स्प्लाइसिंग होता है है ना तो वो आर एन वर्ड की डोमिनेंस दिखाता है यहाँ आर एन ऐसे सीधा का सीधा नहीं आता पहले एच एन आर एन बनाया जाता है और फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है फिर अपना मेच्योर आर एन बनता है तो वो जो उसकी आ, स्प्लाइसिंग है तो यहाँ पे जो स्प्लाइसिंग है वो वास्तव में क्या दिखाती है भैया डोमिनेंस ऑफ आर एन वर्ड डोमिनेंस ऑफ आर एन वर्ड ये वाला एक तो भैया दिमाग में रखो और यहाँ से जब भी अपन डीएनए से आरएनए की जब बात करते हैं तो भैया बात आती है मोनोसिस्ट्रोनिक और पोलीसिस्टोनिक मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब जो कहानी है वो ए की जने को अलग अलग सेपरेट सेपरेट फॉर्म में दे दी जाए क्योंकि ये आर आगे जाके जो एम आर है वो आगे जाके क्या करेगा भैया प्रोटीन बनाएगा तो अकेली अकेली प्रोटीन अलग अलग तरीके से बनाए जैसे ये वाला डीएनए है यहाँ से यहाँ से यहाँ तक एक अलग तरीके की प्रोटीन बना रहा है तो ये कहानी यू कैरियोर्स में होती है मोनोसिस्ट्रोनिक मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब ये है यहाँ का ये जो है यहाँ का जो डी है ये डी हमेशा ही जाके बाहर आर बनाएगा फिर प्रोटीन बनाएगा मोनोसिस्ट्रोनिक जबकि अपन पोली की जब भी बात करते हैं पोलिसटोनिक की जब भी बात आती है तो अपन क्या करते हैं यही सेगमेंट भैया खूब सारी चीज़ें बना देता है इसको क्या बोलते हैं पोली सिस्टोनिक अब ये वाली कहानी किस में चलती है मोनोसिस्टोनिक वाली यू केरियोर्स में चलती है और पोलिसटोनिक वाली किस में चलती है प्रो केरियोर्स में पी से पी किस में चलती है प्रो केरियोर्स में चलती है यहाँ जब अपन बात करते हैं तो देखो एक बात जो लास्ट में करनी चाहिए वो मैं पहले ही आपको बताता हूँ स्प्लिट जीन की स्प्लिट जीन का क्या मतलब होता है ये वाला डीएनए जब आरएनए बनाएगा तो बीच में क्या आता है भैया एच एन आर एन ए न्यूक्लियर आर और ये जो हिट्रोजिनस न्यूक्लियर आर होता है वास्तव में ये वास्तव में स्प्लिट होता है इसका मतलब इसके पास अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनमें से कुछ को हटा दिया जाता है और कुछ को रख लिया जाता है यहाँ हटाने वाली और रखने वाली चीज़ें कौन कौन है आपको पता है ये एक्जोन्स और इंट्रॉन्स तो देखो जब अपन स्प्लिट जीन की बात करते हैं तो जब अपन किसी जीन के बारे में बताते हैं कि ये देखो एनसीआर की लाइन ही बोल रहा हूँ जब अपन किसी जीन के बारे में बताते हैं तो अपन बताते हैं कि जीन वो है जो आगे जाके कोई प्रोटीन बना रही है और वो वास्तव में एक तरीके से एक्सप्रेस हो रही है है ना तो ये वाला जो जो डीएनए है वास्तव में ये आरएनए आरएनए की तरफ जा तो रहा है लेकिन जब अपन स्प्लिट जीन की डीएनए के रेफरेंस में बात करते हैं तो चीजें क्या हो जाती हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं ये एन की लाइन है आपके दिमाग में रहनी चाहिए अब यहाँ से जब अपन बात करते हैं ये वाले प्रो की इक्वलाई बैक्टीरिया की जब अपन बात करते हैं तो इनमें एक पंगा और है इनमें क्या पंगा है जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है तो उसके साथ साथ ही क्या चलता रहता है ट्रांसलेशन चलता रहता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का सेपरेशन तो है नहीं तो इनमें तो मतलब दोनों काम क्या होते रहते हैं साथ चलते रहते हैं ठीक है अब बात आते हैं अपन ये वाले डीएनए से आरएनए बनाने की कौन कौन सी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है और कैसे कैसे एनसीईआरटी ने अपने को बता रखा है कि डीएनए से जो आरएनए बन आर बनता है वो एक ही स्टैंड से बन के आता है टेम्पले स्टैंड से उनकी बात करते हैं ठीक है जब अपन ने बात करी जब अपन ने बात करी कि ये वाला जो डीएनए का स्टैंड है है ना बहुत सारे बच्चे अब लॉकडाउन में भूल गए होंगे इन चीजों को ये जब डीएनए है तो भैया इससे जब अपन आरएनए बनाते हैं तो भैया सिंगल स्टैंड ही बनता है पहले तो उन दो कारणों के बारे में अपन देख लेते हैं कि भैया इधर जैसे मान लो इधर ए के सामने यदि टी आ रहा है है ना तो जब आर एन ए जब अपन बनाएंगे तो ए के सामने फिर क्या आएगा भैया यू आएगा इधर आर एन ए में क्योंकि वहां थाइमिन तो प्रेजेंट होता नहीं क्या होता है यूरेसिल जब अपन बात करते हैं कि ये ए की स्टैंड से क्यों बनता है तो इसके एनसीईआरटी ने दो अपने को रीजन लिख रखे हैं पहला रीजन तो क्या लिख रखा है कि यदि अपन इस वाले स्टैंड से भी आरएनए बनाएंगे इस वाले स्टैंड से भी आरएनए बनाएंगे तो दोनों दोनों स्टैंड जो आरएनए होंगे वो कैसे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और जब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो इसका मतलब वो वापस जाके कैसा, कैसा दोनों साथ मिलके कैसा बना लेंगे डबल स्टैंड आर बना लेंगे जबकि दूसरा उसने क्या बता रखा है कि यदि इस वाले स्टैंड से अपन आर एन इस वाले स्टैंड से आर एन तो दोनों क्या होंगे डिफरेंट होंगे उसने बोल रखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री वास्तव में आइडेंटिकल नहीं होते ये अपने को भी पता है कि इस वाले से अलग बनेगा इस हैं तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना और वो जो अरण्य बनेंगे वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आइडेंटिकल है और आइडेंटिकल नहीं है तो वो दोनों जाके अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे तो इतनी जो मशीनरी अपन ने इतनी खोजी है इतनी मशीनरी प्रोटीन बनाने की वो मशीनरी क्या हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो ये दो कारण बता रखे हैं कि भैया इस तरीके से ये एक ही स्टैंड से बनता है अब अपनी जिम्मेदारी बनती है कि ये वाले स्टैंड होते हैं ना उनको क्या क्या कहते हैं जब अपन बात करते हैं जब अपन बात करते हैं तो ये मैंने ले लिया थ्री डैस टू फाइव डैस और ये क्या हो गया फाइव डैस टू थ्री डैस सबसे पहले मैं वो वाली बातें करता हूं जो है ना भूलने के चांसेज हैं इस पर एक तो कौन है भैया प्रमोटर और ये पीछे कौन है टर्मिनेटर ये जो प्रमोटर है ये वाला प्रमोटर भैया किस साइड है इसमें से जो देखा जाता है वो किस साइड देखा जाता है इस प्रमोटर को अपन बोलते हैं अपस्ट्रीम ठीक है और इसको टर्मिनेटर को क्या बोलते हैं भैया डाउन स्ट्रीम इसमें वैसे भी कोई प्रमोट करता है तो कोई चीज अप ही होती है मैंने भी आपको मान लो किसी चीज के लिए प्रमोट करा तो वो वाली चीज क्या होती है अप ही होती है जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भैया इस इस वाले वीडियो को लाइक्स भी किया करो तो वैसा वो लाइक्स क्या होते हैं बढ़ते हैं मतलब अप की तरफ जाते हैं तो अप स्ट्रीम और हमेशा ही मान लो तीन लाइक हैं तो वो पाँच ही लाइक होएंगे समझना इस वाला ये फंडा बना रहा हूँ आपके लिए वो तीन नहीं होएंगे हमेशा क्या हएंगे पाँच ही होएंगे तो हमेशा ही जो प्रमोटर होता है वो कौन सी साइड होता है फाइव डैस पे होता है और कौन से की तरफ भैया इसका जो कोडिंग स्टैंड है कोडिंग स्टैंड है उसके अनुसार कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस के अनुसार अपन क्या देखते हैं हमेशा ये देखते हैं कि फाइव एंड किसका कोडिंग स्टैंड का तो देखो इन चीज़ों के एक साथ फंडे बन गए अपने प्रमोटर है अपस्ट्रीम की तरफ है और हमेशा अप की साइड ही होएगा फाइव डेस्क की साइड ही होएगा दूसरी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी जब अपन टर्मिनेटर की बात करते हैं तो उसको भी हमेशा कोडिंग स्टैंड के अनुसार देखा जाता है और ये हमेशा किस साइड में आ गया भैया थ्री डैश की साइड में आ गया अब जब अपन बात कर रहे हैं कि ये वाला जो प्रोमोटर है और ये वाला टर्मिनेटर है तो वास्तव में बनना तो जो आरएनए अपन जो बनाएंगे वो आरएनए वास्तव में एक ही स्टैंड से बनाएंगे जिससे बनाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं भैया टेम्पलेट स्टैंड ये वाला जो टेम्पलेट स्टैंड है वास्तव में ये जब आरएनए का आरएनए का फॉर्मेशन करेगा मान लो इस पर ए टी जी सी था ठीक है जब मैं नीचे वाले की बात करूंगा तो इधर क्या है टी ए सी जी ठीक है जब इसका आर एन ए अपन बनाते हुए लेके चलेंगे इसका आर एन ए जब बनाते हुए यू तो इसका क्या आया ए इसका क्या आया सी इसका क्या आया जी अब देखना इस वाले और इस वाले को देखना यू ए सी जी इसमें क्या है टी ए सी जी मतलब जो आर एन ए बन के गया है ना वो किसके अनुसार किसके सेम होता है कोडिंग स्टैंड के सेम होता है बस उसमें टी की जगह क्या होता है उस आर में यू होता है है ना तो कभी आपको कोडिंग स्टैंड दे के यहाँ से मैं सीधा बता रहा हूँ कि वो जो क्वेश्चन अपन सीधा अटैम्प करते हैं तो वो एन ने लाइन भी लिख रखी है कि ये वाला जो आर एन बन के गया है वास्तव में वो किसके समान होता है हमेशा कोडिंग स्टैंड के समान होता है बस सीधा आपको ऑप्शन में यदि दिख रहा है तो वो कोडिंग स्टैंड दे रखा है फिर आर पूछ रहा है तो भैया टी की जगह सीधा क्या कर दो यू कर दो है ना ये सीधा अपन जब अटैम मारते हैं अब एक एन की लाइन की बात करता हूँ कि ये जो प्रमोटर है इसकी यदि अपन जगह जो स्विच करते हैं मतलब इधर से उधर लेके जाते हैं तो ये कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड भी क्या हो जाते हैं रिवर्स हो जाते हैं इसका मतलब इसको अपन इधर से उधर स्विच कर सकते हैं ये वाला जो प्रमोटर है इसके आगे और पीछे ये वाली लाइन है ना NCRT की ध्यान रखना बेटा होते, या, या तो होते, होते, होते हैं अब ये सारा काम जो है जो सिंपल सा यदि से पूछा जाए तो यहां से चीजें क्या याद रखनी है पहली बात तो यही ध्यान रखनी है कि जो कोडिंग स्टैंड होता है उसके जैसे ही आर होता है ठीक है बस उसमें टी की जगह उस आर में क्या होता है यू होता है दूसरा ये चीजें मैंने प्रोमोटर की याद करवाई ये हमेशा कोडिंग स्टैंड के अनुसार देखा जाता है अब इस पूरी जीन को ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको ये प्रोमोटर हो गया ये टर्मिनेटर हो गया ये बीच का जो है है ना वास्तव में जो आर बनाएगा इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन ठीक है तो ये स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर को वास्तव में एक साथ क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ट्रांसक्रिप्शन की जो यूनिट है भैया ये ही है अब तो चीजें भैया आपके लिए सरल सरल सी हैं अब डीएनए से ये जो आरएनए बनाता है तो भैया वो वास्तव में कौन होता है आरएनए पॉलीमरेज होता है आरपी होता है और ये आरपी भैया किस पे डिपेंड है इस डीएनए पे डिपेंड है तो डीएनए डिपेंडेड आरएनए पॉलीमरेज होता है ठीक है जैसे आप लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को वास्तव में बोलते हो ना कि वो वास्तव में वास्तव में डी होता है लेकिन वो वास्तव में किस पे डिपेंड होता है उधर आर एन डिपेंड होता है वैसे ही इसको आर को भी अपन बोल सकते हैं कि डी एन ए डिपेंडेड आर एन अब आर की जब अपन बात करते हैं तो आर भैया यहाँ पर सारे काम करवाता है आर सारे काम कैसे करवाता है ये इनिशिएशन भी करता है इलोंगेशन भी करता है और टर्मिनेशन भी करता है तो यार ये सारे काम एक साथ कैसे कर लेता है इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन तीनों के तीनों काम कैसे कर लेता है तो भैया इसकी मदद के लिए यहाँ पे कौन से फैक्टर होते हैं सिग्मा और इधर कौन सा होता है रो वास्तव में ये इनिशिएशन फैक्टर होता है और ये कौन सा होता है टर्मिनेशन फैक्टर होता है आर के साथ जैसे मैंने मैं इसको आर पी बनाऊँ ये मैंने अलग कलर से ये आर बनाया है तो ये आर के साथ जब सिग्मा फैक्टर लग जाता है तो ये इनिशिएशन कर देता है और जब इसके साथ इस आर के साथ ये रो फैक्टर लग जाता है तो भैया ये, ये क्या कर देता है टर्मिनेशन कर देता है आपको सभी को पता है एन सी लिख नहीं रखी है फिर भी चीजें क्योंकि ये आगे सारे बॉन्डिंग वगैरह तोड़ने का काम सारा काम कौन करता है अपना आर करता है तो ये सारे काम में मदद करने के लिए इसके ये दो होते हैं है ना अब जब अपन आर की बात करते हैं है ना जब अपन आर की बात करते हैं तो आर भैया जब प्रो की बात करते हैं तो प्रो में सारे के सारे जो आर बनाने होते हैं टी आर एन एस आर एन ए ये सारे के सारे कौन बनाता है भैया सारे के सारे अपना अकेला आर बनाता है लेकिन यदि अपन यदि बात करें यू केरियोर्स की तो यू केरियोर्स में भैया आर पी वन आर पी टू और आर पी थ्री जब अपन आर पी वन की बात करते हैं तो भैया वो टी आर एन ए बनाता है जब आर पी थर्ड की बात करते हैं तो भैया वो अपना एस आर एन ए बना देता है और जब बात करते हैं तो वो एक एस एन आर एन ए भी बनाता है स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए और जो आर पी सेकेंड होता है वो अपना कौन बनाता है एम आर एन ए बनाता है अब जब अपन बात करते हैं तो इसकी स्प्लाइसिंग की बात करते हैं आज थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं फिर स्प्लाइसिंग की बात करते हैं आप कमेंट करके ये लिखो इतनी देर में मैं पानी पीऊ इतनी देर में कि ये चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं देखा ही नहीं ठीक है भैया कमेंट में अरे सो गए क्या यस yes, सर समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया भाई ए के सर परफेक्ट केमिस्ट्री जोन ओके सर एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन नाइस अच्छा अमित भी जुड़ा हुआ है भाई बहुत बढ़िया पबजी खेलने से टाइम मिल गया तुझे नाइस 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 युवान को हैप्पी जन्माष्टमी बहुत बढ़िया भाई इनऑर्गेनिक तो नहीं हुई अभी बेटा और एक अपन टॉपिक टॉपिक लेके चल रहे हैं भावना अपन एक टॉपिक टॉपिक के हिसाब से ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक करवाएंगे टॉपिक पकड़ के फिर जो अपने को लगता है कि इस वाले टॉपिक में अपने को रैपिड रिविजन देना चाहिए है ना अजय ठीक है भाई आ रही है अभिषेक यस सर इट्स मी एज ये कौन है भाई अच्छा अजय अजय सोनी ए ऐसा होना चाहिए था यार एज़ ये तो तू अजय देवगन वाली चीज़ लेके बैठ गया ठीक है भाई बहुत बढ़िया आ रही है चीजें समझ में या फिर कहीं क्या करते हैं ऐसे ऐसे देखने के लिए है न, राहुल सपोट्रा जोड़ली सपोट्रा बहुत बड़ा नाम लिखा है भाई ना? है ना पूरे गांव जिले का और लिख लेता सवाई माधोपुर है ना राजेश जैन आ गई हैं सर बहुत बढ़िया भाई ये उसी बंदे के समझ में आ रही होंगी जिसको ये टॉपिक आता है ये मेरी कंफर्म गारंटी है जिस बच्चे को ये टॉपिक आता नहीं ना उसके वास्तव में अच्छा साउंड सिमिलर विथ माई नेम ओके एज एज ए साउंड सिमिलर विद माई नेम बहुत बढ़िया भाई ये चीज़ें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं ये तो बीच बीच में अपना क्या है भुवनेश यस सर आ रही हैं बहुत बढ़िया भाई वास्तव में उसी बच्चे के आ रही हैं ये मेरी गारंटेड बात है जिसको ये टॉपिक आता है नहीं तो ये ट्रेन सी चल रही है भाई साहब एक बात देता जल्दी से मैं स्प्लाइसिंग ख़त्म करके फिर ये वाली क्लास ओवर करेंगे है ना आप लोग बस पाँच सात मिनट की बात हो और है वैसे तो पाँच सात मिनट तो मैं ज़्यादा ले लेता हूँ यार दिशा टाक अच्छा ये ये वाली क्लासेस तेरे लिए इम्पोर्टेंस रख रही हैं ना बढ़िया वाली प्रियंका सर बहुत अच्छे से आ रही हैं बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चीज़ें समझ में आ रही हैं बस ये ही मेन मोटो जो था आपको जगाने का प्लस आपका रिवाइजेशन हो जाए ये शाम को आप दो तीन घंटे हमारे साथ जुड़ जाओ तो क्या यार हमारा भी टाइम पास हो जाए और आपका भी रिवाइजेशन हो जाए हम भी ठाले ही बैठे रहते हैं यार ठीक है ठाले तो नहीं रहते सभी बच्चों को पता है कि सुबह से शाम तक लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं लाइव क्लासेज होती हैं लेकिन फिर भी कहने के चक्कर में आपके लिए तो हम हमेशा ही ठाले हैं ठीक है स्प्लाइसिंग ख़त्म करके फिर मैं क्लास ओवर करता हूँ है ना इस्प्लाइसिंग की कहानी करते हैं डोमिनेंस वाली और फिर ख़त्म करते हैं इस वाली क्लास को देखो जब स्प्लाइसिंग की जब बात आती है देखो स्प्लाइसिंग की जब भी बात आती है इसका मतलब इस डीएनए से आपने क्या बना लिया भैया एक आरएनए बना लिया जिसको अपन क्या बोलते हैं एच बोलते हैं ये वाला एच एन आर न्यूक्लियर आर और फिर इस पर अपन क्या करवाते हैं स्प्लाइसिंग करवाते हैं और ये वाली जो स्प्लाइसिंग होती है वास्तव में उसके बाद मैच्योर आर निकलता है जिसको एन ने लिख रखा है मैसेंजर आर तो अपने को भी क्या मानना है मैसेंजर आर ठीक है वैसे सारे के सारे जो अरण्य बन के निकलते हैं वो सारी कहानी उसी टाइप से ही चलती है यहाँ ये जो स्प्लाइसिंग होती है तो इस स्प्लाइसिंग में क्या होता है एगजोन्स इंट्रॉन्स एग इंट्रॉन्स होते हैं तो ये वाला यदि मैं फाइव एंड मानूँ और ये वाला थ्री एंड मानूँ तो ये वाली पहले इस पर स्प्लाइसिंग होती है इसको काटना पीटना और फिर किस किस को रखना एक्जोन्स एगजॉन्स एक को रखना अब ये मैंने एगजोन्स एग को रख लिया मान लो ये एक्जोन्स एक्जोन्स को मैंने